हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एनवाईबी द बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल स्टिक का रिव्यू। अब ये जो कोल है, इससे मैंने इस लुक को क्रिएट किया है, जो कि इजी है बहुत ज़्यादा। 2 मिनट के अंदर आप इस लुक को अचीव कर सकते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत ही सिंपल 2-3 मिनट के अंदर एक रिव्यू वीडियो है, जो आप सबको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ये जो काजल है ना, ये इस तरह के कार्डबोर्ड केस में आया था एंड उसके अंदर ये वाला काजल था। मैं इस काजल को ना कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं कई सारे काजल्स को ट्राई आउट करती रहती हूँ, जैसे मैंने लैक्मी आइकॉनिक आई वो काजल भी ट्राई किया है, फिर मैंने लॉरियल का काजल, ओलिविया का काजल, ब्लू हेवन के काजल्स भी मैंने ट्राई आउट किया है। बट ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज ऑफ द प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, एट द सेम टाइम पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, एकदम जेट ब्लैक इसका कलर है। एंड ये स्टिक फॉर्म में आता है जिसको आपको रोटेट करना है, तो काजल आप ना ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, प्रिसाइजली अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल इसे आप ईजिली स्मज भी कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस काजल। बट हाँ, आपको अगर स्मज करना है ना, तो एकदम फटाक से इसे स्मज करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ये स्टिक हो जाता है आपके आईज पर। तो उस टाइम अगर आप 5-6 मिनट बाद इसे स्मज करना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी स्मज करने में, क्योंकि इसे अप्लाई करने के बाद वो उसी जगह पर उसका पिगमेंटेशन रह जाएगा। तो इसीलिए अगर आप स्मजिंग इफेक्ट चाहते हैं, देन इसे अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको स्मज करना है। किसी भी ब्रश के साथ या अपने फिंगर टिप्स के साथ भी आप इसे स्मज कर सकते हैं। मैं यूँ तो नहीं कहूँगी कि इसे स्मज करना बहुत ईजी है, एकदम क्रीमी सॉर्ट ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है, वैसा नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का रोल ऑन एंड स्टिक फॉर्म में आता है, तो ये प्रिसाइजली अप्लाई कर सकते हैं आप। जेट ब्लैक इसका पिगमेंटेशन है, तो स्मज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ना अगर लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आप 6-7 घंटों तक काजल इस्तेमाल करते हैं, काजल को अप्लाई करके रखते हैं, देन डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? बट आई थिंक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काजल है जिसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इस काजल में, बिकॉज द प्राइस इज सो मिनिमम। इसकी जो परचेजिंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा ये जो लुक है, ये फुल लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है वो भी जानना चाहते हैं, देन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये लुक भी शेयर करूंगी। ये एक सरस्वती पूजा लुक है जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये लुक पसंद आता है, देन डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक ही था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।